अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है हमारी उर्दू की क्लास और आप अपनी किताब का नाम वीडियो में देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड गेंदा दूसरी जमात के लिए। चलिए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं जी। तो ये है सफ़ा नंबर 14, खुशी का दिन की पढ़ाई कर रहे थे हम लोग। सफ़ा नंबर 12 और 13 की मुकम्मल कर ली थी, आज सफ़ा नंबर 14 से करनी है। चलिए शुरू करते हैं। दोपहर के खाने के बाद वो दोनों अपने अम्मी अब्बू के साथ नाना जान के घर गए। वहाँ अपने मामू जान और खाला जान के बच्चों के साथ खूब खेले। रात का खाना खाकर वापस आए। दोनों को बहुत सारी ईदी मिलने की खुशी थी, मगर सब रिश्तेदारों से मिलने की खुशी उससे बढ़कर थी। जी तो अब हम अपनी मश पर चलते हैं। पढ़िए और रंग भरिए। दुरुस्त जो आपके दायरे में रंग भरिए। अब आपने उसी तरह जिस तरह आपने पिछले बाग में किया था रंग भरने थे दुरुस्त जवाब में। ये सबक डैश के दिन के बारे में है। सालगिरह, ईद, जश्न आज़ादी, ईद, रंग भरिए। ज़ारा ने हाथों पर मेहंदी लगाई थी, मेहंदी पर रंग भरिए। ज़ारा ने डैश रंग की फ़्रॉक पहनी थी, गुलाबी, यहाँ पर लिख देना गुलाबी। नमाज डैश सब ईद में लेके बाद, और यहाँ पर के बाद पर आपने रंग भर देना है। वापसी पर अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे दिलवाए, गुब्बारे। चलिए अगले सफ़ा पर, सफ़ा नंबर 15। अब इसमें है रंगों के नाम पहचान कर लिखिए। हरा या सब्ज, सुर्ख, पीला, नीला। यह है जी सफ़ा नंबर 16। मुज़क्कर मोनस के हिसाब से आपने रंग भरना और खाली जगह पूर करनी है। मेरे घर के पास स्कूल था, था में रंग भर देना। मैंने बिरयानी खाई, मैंने कीमा खाया। जमात भरी है, ये बड़ा दरख्त है। मैंने किताब पढ़ी, मैंने अम्मी को सलाम किया। ज़ारा ने मुझे आवाज़ दी। तो जी ये थे आपके सफ़ा नंबर 14, 15 और 16। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है और इन एक्सरसाइज भी, मश्क भी जो है आपने अपनी किताबों पर करनी है सफाई के साथ। शुक्रिया।